मेरा मकसद क्या था आपसे ये सवाल करने का कि ये जो लोगों को लगता है ना कि देखिए तुरंत यहाँ काठमांडू से सब कुछ दिखा दिया, तो मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय फोटो लेकर टहल रहे थे काठमांडू की गलियों में, फोटो लेकर काठमांडू की गलियों में ऐसे बोल रहे थे कि बताइए भाई ये तो अब देश का जुड़ा ये आंतरिक सुरक्षा का मसला हो गया है कि यहाँ पहुंचकर कहीं कोई जासूसी तो नहीं कर रहा है, और इसकी पड़ताल करने के लिए ऐसे फोटो दिखा रहे थे गली गली की। पहचानते हो क्या सीमा हैदर को? ये काम किया है एबीपी न्यूज ने, इसलिए अभिषेक भाई से मैंने इस पूरी प्रक्रिया के बारे में पूछा कि बताइए कैसे मिला, खट से नहीं मिला है होटल, ये भी बता देते हैं। अब चलिए हमारे मेहमान के पास आप चलते हैं, संजीव देसवाल साहब हैं, कर्नल दानवीर सिंह हैं, नीति शर्मा जी हैं, और लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे साथ एके जैन साहब, एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। तो आपके पास आते हैं, अंग्रेजी में नहीं जासूस शब्द से परिचय कराऊंगा आप, इसलिए क्योंकि मेरा जो दर्शक है ना वो दर्शक सब कुछ जाने और समझे, अंग्रेजी बहुत समझ रहे हैं बात को, है क्या हिंदी 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 हाँ हमारे मिजाज के आदमी हो, हम भी बहुत अंग्रेजी नहीं जानते हैं। ये बताइए जासूसी ऐसे ही होती है क्या? ये सीमा हैदर चार बच्चों को लेकर पहुंच जाती है, यहां रहने लगती है, और फिर उसके बाद अपने प्रेम की कहानी, और वो समझ रहे हैं आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास, इसी तरह से भूख मिटाई जाती है क्या? जासूसी ऐसे ही करते हैं? देखिए ऐसा है कि जासूसी ऐसे नहीं करते, जासूसी के लिए बहुत कहते हैं स्ट्रेटेजी कहते हैं अपनाई जाती है, बहुत सारी कहते हैं टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। सुन लीजिए ये जासूस हैं, सुन लीजिए हाँ, तो जासूसी के लिए काफी टाइम पहले काम किया जाता है। अगर सीमा को हम ये माने कि वो खुफिया एजेंसी की तरफ से प्लांटेड जासूस हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आज हमारी एटीएस को इन्वेस्टिगेशन करने की लाइन ऑफ एक्शन पे काम करना होगा, और लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम समझें तो हमारे पास जो सीमा ने स्टेटमेंट दी, जो सीमा से रिकवरी हुई, चाहे पासपोर्ट हो, मोबाइल हो, टूटा हुआ मोबाइल हो, सिम हो, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन उसके द्वारा आ रही है, हम उसके ऊपर क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो आज हमारी कोई मदद करेगा नहीं इन्वेस्टिगेशन में, अगर मदद करेगा भी तो जब उसी की तरफ से प्लांटेड कोई स्पाई होगा तो वो हमारी मदद क्यों करेगा, हमें मिसगाइड करेगा गलत इन्फॉर्मेशन देके। तो जब वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो हमें इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली निकालनी कहाँ से, हमें कंक्रीट एविडेंस चाहिए, हमारे पास सर्कमस्टेंस एविडेंस तो बहुत है। सर्कमस्टेंस एविडेंस का मतलब अगर आप समझें यहाँ पे सब लोग, थोड़ा हिंदी बोलिए ना, ये सब 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 बिल्कुल, सर्कमस्टेंस एविडेंस का मतलब ये होता है कि वो यहाँ आई, मैं अनपढ़ हूँ, सुनते जाना गांव वालों, आप ही के लिए आया हूँ मैं, आप लोग सुनते जाइएगा, कई बार कुछ बोल के लोग चले जाते हैं, आप लोग के फिर बाद में गांव वाले से पूछेंगे कि अरे आप क्यों नहीं बताए, आप क्यों नहीं बताए, आप समझ रहे हो ना, पूछने वाले तो 36 चीज पूछे, इसलिए मैं सब एक्सपर्ट लेके आया हूँ। अब देखिए डिफेंस एक्सपर्ट हैं, समझ रहे हैं, ये सेना के मामले में पूरी जानकारी देंगे, इनको भी ध्यान से सुनिएगा, जनता जिंदाबाद शो करता हूँ मैं, आप लिए आप लोग मेरे लिए सर्वोपरि हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।